पॉलीकैब इंडिया, अगर आपके पास पॉलीकैब इंडिया का शेयर है, अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलीकैब इंडिया के अंदर आप नया निवेश करेंगे, तो आज का वीडियो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कंपनी का जो सेगमेंट है वो किस तरह से कंपनी सेगमेंट वाइज कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी फ्यूचर में किस तरह से अपने को टारगेट दे रहा है, पॉलीकैब ऑफ इंडिया के अंदर फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के ऊपर जो टारगेट दे रहे हैं 3000 रुपीज का, वो किस रीजन से ये टारगेट दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीकैब इंडिया के अंदर इसका 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपनी का कोर बिजनेस वायर एंड केबल्स का, उसके बाद दूसरा आ जाता है FMEG का बिजनेस, एंड तीसरा में अदर्स कैटेगरी को रखा गया है। तो सबसे पहले कंपनी का वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को समझते हैं। तो वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस कंपनी का कोर बिजनेस है, तो ज्यादातर जो रेवेन्यू है कंपनी इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से कमाता है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 18% का ग्रोथ, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर से देखेंगे तो वहां पे 39% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। EBITDA आप देखेंगे वहां पे भी ग्रोथ है, लेकिन सेम मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है। अगर वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट के अंदर अगर आप ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ये भयंकर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है वायर्स एंड केबल्स के अंदर, यानी कि 41% का ग्रोथ वायर्स एंड केबल्स के अंदर, यानी कि कोर बिजनेस के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इसीलिए कंपनी का जो रिजल्ट है इसलिए इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहने के बावजूद भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा EBITDA जनरेट किया है, और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो लगातार बूस्ट अप हो रहा है। पॉलीकैब का ये भी कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ जो कंपनी का एक्सपोर्ट है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव अभी भी नजर आ रहा है। कंपनी का जो वायर्स का बिजनेस है वो केबल से और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी से ग्रो हो रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे कि कमोडिटी का प्राइस किस तरह से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एल्यूमिनियम का प्राइस यहाँ पे बढ़ने के कारण कंपनी को प्रेशर में तो जरूर डाल रहा है, लेकिन कंपनी का जो और एक ब्रांड है एटीरा बोल के, वहां पे कंपनी अच्छा खासा काम करने में सक्षम हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर हाउसिंग सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कारण वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये फायदा कंटिन्यू रहेगा। अगर आप कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसकी बात करें तो पिछले 2.5 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी ने अपना जो एक्सपोर्ट लिमिट है उसको यहाँ पे डबल कर दिया है। स्पेशली एक्सपोर्ट की बात करें तो वहां पे बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी और भी जोड़ने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अगर आप पॉलीकैब इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे तो फाइनेंशियल 2022 में जितना भी रेवेन्यू कमाया है उसमें से 7.6% एक्सपोर्ट के द्वारा कंपनी ने कमाया है। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए अगर आप पॉलीकैब के अंदर निवेश करना चाहते हैं और निवेशित है, कि मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ये जो मार्जिन है ये धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यानी सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी बात करते हैं कंपनी का दूसरा सेगमेंट FMEG सेगमेंट, फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसीलिए देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा मार्जिन के अंदर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रेशर है। तो पॉलीकैब इंडिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन के अंदर यहाँ पे मार खा रहे हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे ईयर वाइज क्वार्टरली 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ FMEG सेक्टर के अंदर दिखाया है, और यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 11% का रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। हालांकि आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो कोर बिजनेस है उसमें से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाता है पॉलीकैब के अंदर। अगर आप EBITDA की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया है, क्योंकि मार्जिन जहाँ पे 7% हुआ करता था लास्ट ईयर वो 2.8% में आ गया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपनी ने यहाँ पे 67% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप FMEG सेक्टर को यहाँ पे ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 21% का ग्रोथ है, और यहाँ पे EBITDA के अंदर भयंकर यहाँ पे गिरावट भी है। FMEG सेक्टर को लेके मैनेजमेंट का क्या कहना है कि फैंस, लाइट, स्विच गियर जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। कंडक्ट जो पाइप्स है वहां पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे
जो स्विचेस का कामकाज कंपनी करते हैं वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई का चैलेंजेस यहां पे कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप पॉलीकैब के अंदर निवेशित है तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। एफएमजी सेक्टर को लेके पॉलीकैब इंडिया बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है, इसीलिए एक्सपेंशन ये कर पाएगा। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा, क्योंकि अब अमेजोन या फ्लिपकार्ट ढूंढेंगे तो पॉलीकैब इंडिया का उतना ज्यादा प्रोडक्ट एफएमईजी सेक्टर में अभी भी नहीं है। तो कम प्राइस के अंदर यहाँ पे कोशिश करेगा और भी ज्यादा पोर्टफोलियो यहाँ पे इंक्रीज करने का, और इंडियन मार्केट ऐसा है कि प्राइस को भी यहाँ पे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इस कारण की वजह से कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ कंपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे और मैनेजमेंट के ऊपर काम करने का यहाँ पे वादा कंपनी ने किया है। एफएमईजी सेक्टर को लेके पॉलीकैब इंडिया का मैनेजमेंट का कहना है कि 2026 आते आते ये जो EBITDA मार्जिन आपको 2.8% का देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो मार्जिन वो 12% जाते भी आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ाएगा तो कंपनी का मार्जिन में भी कंपनी को इफेक्ट डालेगा। तो 2026 आते आते 12% का मार्जिन हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया होगा पॉलीकैब इंडिया के लिए। पॉलीकैब इंडिया का तीसरा सेगमेंट अदर्स कैटेगरी के अंदर जो EPC बिजनेस कंपनी हैंडल करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ लाया है, लेकिन EBITDA के अंदर यहाँ पे भी मार खा रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो 11% का क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर EBITDA के अंदर यहाँ पे 14% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 18.9% मार्जिन गिर के 14.7% में आ गया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कंपनी इंप्रूव कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके मैनेजमेंट का कहना है कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा विद इन आपका 3-2 आपका लॉन्ग टर्म भी आप सोचते हैं तो उस टाइम पे भी ये जो ग्रोथ है वो उसी हिसाब से रहेगा। पॉलीकैब बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात आता है तो अदर सेगमेंट उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। एफएमईजी सेक्टर को लेके भी कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, साथ ही साथ अदर सेगमेंट भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलीकैब इंडिया को आपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको जगह देना है, तो जो लॉन्ग टर्म गोल है पॉलीकैब इंडिया का वो है 200 बिलियन रुपीज बनने का 2026 आते आते। सो अभी कितना है, अभी ये 120 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो टारगेट अचीव किया है, और इसको 2026 यानी कि 4 साल के अंदर इसको 200 बिलियन ले जाने का सपना कंपनी का यहाँ पे है। कंपनी का जो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और कंपनी यहाँ पे नया कस्टमर एक्वायर करने में भी सक्षम हो रहा है। कंपनी का B2C बिजनेस की बात करें तो वहां पे भी कंपनी एक्सप्लोर कर रहा है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी कंपनी ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में कंपनी का कहना है कि नया नया टैलेंट यहाँ पे हायर करेगा जिससे भी कंपनी का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, और डिजिटली कंपनी यहाँ पे और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश करेगा। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी कामकाज कर रहा है, जितना हो सके कंपनी अपने प्लांट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने का कोशिश भी यहाँ पे लगातार कर रहा है। पॉलीकैब ऑफ इंडिया की ऊपर जो लास्ट टारगेट यहाँ पे दिया गया है वो है 300 रुपीज का, जो करीब करीब 30% अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। BOB कैपिटल मार्केट्स ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया गया है, और विद इन 1 ईयर पॉलीकैब इंडिया का शेयर आपको 3000 अचीव करने को देखने को मिल सकता है, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दावा किया गया है। पॉलीकैब इंडिया का मार्केट शेयर आप देखते हैं तो इंडिया के अंदर 23% मार्केट शेयर वायर्स एंड केबल्स के अंदर होल्ड करके रखा है, तो बेहतरीन पोजीशन में पॉलीकैब इंडिया भी नजर आ रहा है और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए आप सोच सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.